السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. खैसर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ वो है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा किस तरह पकाना है, उनको साफ किस तरह करना है। हमने लिया था या फिर 1 किलो गाजर, इसको हम साफ करेंगे अभी छुरी की मदद से। इसको हम इस तरह साफ करेंगे, पहले हम इसको इस तरह साफ करेंगे। बिस्मिल्लाह, मैं इस सारों को साफ कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये गाजर हमने साफ किया है, अब हम इसको वॉश करेंगे सही तरह। इसके अंदर ये मिट्टी जिधर रह जाता है इसको हम साफ करेंगे। अभी वॉश करके मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजर को मैंने धो लिया है। अभी इसको कद्दूकश करते हैं। ये जो है ये कद्दूकश, इधर इधर ये बड़ा सुराख है, ये छोटा, ये बिल्कुल छोटा है, ये जो दरमियानी साइज़ का, इसमें इस तरह कद्दूकश करना है इसको। इस तरह कद्दूकश, जैसे कद्दू पेश कहते हैं। मैं इसको इस तरह कर लूँ, आगे कैमरामैन साहब आपको ये दिखा सकता है। इसको मैं इस तरह सारे गाजर को मैं इस तरह कहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजर हमने काट लिया इस तरह, बिल्कुल रेशा रेशा हो गया। अब हमने ऊपर चोला चढ़ा दिया, इसको हम आग लगाएंगे। रहमानिर्रहीम, पतीला हमने ऊपर चढ़ा दिया, अब हम इसमें गाजर जो है ये डाल देंगे। इसका जो अपना पानी है खुद को खुश कर देंगे। कोई लोग इस तरह करते हैं कि दूध डालते हैं, दूध के अंदर ये गाजर डालते हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। पहले हम इसका पानी जो है ये रिमूव कर देंगे, इसका पानी हम खुश कर देंगे। ये 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा, इसका जो पानी है ये पहले हम इसको पहले सुखा देंगे। इसका जो अपना पानी है ये छोड़ेगा, ये जो पानी ये छोड़ देगा, हम इसको सुखा देंगे। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजर ने अपना पानी जो है वो खुश कर दिया। अब इसी टाइम पर हमने 1 किलो गाजर लिया था, उसके लिए हमने 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर दिया। हम कोई इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास कुआ नहीं हो तो आप 2 लीटर दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हमने डाला हुआ है, इसको इस तरह मिक्स कर दिया इसमें। इसका जो है दूध जो है इसको हम खुश कर देंगे इसमें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। ये 5 मिनट हो चुके हैं, ख्याल रखना चाहिए कि लग न जाए। अगर ये लग गया तो इसका जो स्मेल है बहुत स्मेल आता है इससे।
आपने एक टेव रखने हैं। गाजरों ने पानी खुश कर दिया है। अब इसी टाइम पर हमने ये एक पाव ये चीनी है, मीठा आप जितना पसंद करते हो उतना डाल लिया करें। मैं थोड़ा सा डालता हूँ फिर मैं चेक करता हूँ, अगर मीठा बराबर है तो मैं छोड़ देता हूँ, अगर नहीं है तो मैं और चीनी ऐड कर दूँगा क्योंकि मैं हल कर दूँ इसमें। मीठा जो है वो थोड़ा सा कम है, अब इसमें हम और चीनी ऐड कर देंगे बस। मुझे 50 ग्राम चीनी होगा अभी कि इस तरह पता नहीं है ना हमें, जिस टाइम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों ने अपना पानी खुश कर दिया है। चीनी में भी पानी होता है, जब चीनी डालोगे उसमें भी पानी होता है। इसके बाद हम ये घी डाल देंगे। ये घी मेरे ख्याल में ये 30 ग्राम पीस थे इतना से, बस ये डाल देंगे। इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुश हो चुका है और गाजरों ने अपना घी छोड़ दिया है। इसी टाइम पर हम ये खोआ ऐड करते हैं। ये कुएँ मेरे ख्याल में ये 30 ग्राम कुएँ ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह इसको मिक्स कर देंगे। अभी कई लोग इस तरह कर देंगे कुआ बाद में डालते हैं, लेकिन वो जो है वो इस तरह साबत साबत उसमें लगते हैं, वो मज़ा नहीं देते हैं, इसलिए हम इसको इसमें मेल्ट कर देंगे। इसका पकने का तरीका ये, जब ये पक जाए आपको किस तरह पता चलेगा, ये साइड उसे इसने अपना घी छोड़ दिया है देख ये। इसके बाद हम ये आग इसको बंद कर देंगे। इसके बाद जब ये तैयार हो जाए, ये ड्राई फ्रूट है तो ये बादाम किशमिश काजू और ये किशमिश है ये काजू है ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह हिला दे रहे। अब इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा हमने डिश आउट कर दिया एक प्लेट में, अब हम इसको चेक करते हैं। हमारा बड़ा भाई है ये चेक करेगा इसको। वाह जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। अगर ये इसी तरह हलवा लोग बनाते हैं यार, देखो जरा चेक करो। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।